पूरा रिडीम कर लिया और जस्ट $1 जो है वो खुद से दिया। तो जो हमारा बिल बना है वो बना है ऐसा पिज्जा ना बना कहीं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। और मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी बेहतर है। तो उस दिन जो है ब्लॉग में तो तबीयत ठीक थी बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और अब हम जा रहे हैं, मुगीज़ के एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। मतलब वो भी अभी न्यू कैलगरी में शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि ज़रा चक्कर वगैरह लगा दें, तो हम उनकी तरफ जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। तो पहले हम जाएंगे सुपरचार्ज क्योंकि हमें वहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी, हमने कुछ लेना था। हमारे स्नैक्स वगैरह ख़त्म हुए हैं, चलियाँ शलियाँ बच्चों वाली चीज़ें, तो वो हम लेके उसके बाद हम जाएंगे उनकी तरफ। पार्किंग ही नहीं मिल रही क्योंकि आज संडे है, सारे लोग आए हैं अभी उन्हें ग्रोसरियाँ वगैरह करने के लिए, तो ढूंढे पार्किंग। हालांकि काफ़ी बड़ी पार्किंग है लेकिन मिल नहीं रही। पार्किंग मिल गई है और अब हम जा रहे हैं अंदर। हमारी चीज़ें, इसमें से मैं आपको बताती हूँ हम क्या लेते हैं। हम लेते हैं एक तो किटकैट का पैकेट, ये देखें इसमें 8 किटकैट होती हैं और ये होता है $2 का ये वाला। इसी तरह स्निकर्स हैं, इसमें भी 8 होती नहीं 10 हैं, स्निकर्स 10 हैं और ये सब कुछ $2 का है। ये नहीं चल रही है, कौन सी है ना, तो स्मार्टीज हैं। अच्छा जेलीज भी हम लेते हैं, ये भी जेलीज हम ये भी लेते हैं। मैं बताती हूँ किधर गई हमारी जेली, ओ ये रहा सावर पैच, ये भी लेते हैं हम, बट ये बड़ा बैग है, ये $8 का है, नहीं बल्कि $9 का है। इससे अच्छा हम $4 के 2 छोटे वाले ले लेते हैं। यार वो तो ख़त्म हुए हैं, ओ मिल गया। हाँ ये वाली, ये है तकरीबन $4 के, तो ये हम ले लेते हैं 2-3, ये काफ़ी अर्सा हमारा निकाल जाते हैं। अब बारी है बिस्किट लेने की, और हम खाते हैं बिस्किट ये वाले चोको चिप, ये वाले ये भी मिलते हैं। ये काफ़ी बड़ा पैक होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बिस्किट होते हैं और ये भी $4 का है। इसके अलावा अब बारी आई है हमारे चिप्स की, ये आ गया हमारा चिप्स सेक्शन। जो है वो हम लेते हैं चिप्स लेते हैं हम ये वाले टोस्टी टोस, ये बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन ना इनके साथ ये मिलती है, ये इसके साथ खाए जाते हैं और ये इतने मज़े के लगते हैं, लेकिन ये हम खोल लेते हैं तो ये बस 3 से 4 दिन, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन चलती है और ये ख़त्म नहीं होती, ज़ाया ही होती है, तो हम इसके बगैर भी खा लेते हैं, मज़े के बहुत होते हैं। अच्छा ये चिप्स भी जो आएगी $4 की, और हमने ले लिए प्रिंगल्स, कितने टाइम है प्रिंगल्स 2 प्रिंगल्स जो हैं महंगे हो गए, और पहले 247 के थे अभी हो गए 299 के, $3 के हो गए, ये भी हो गया।
तो हमने अपनी सारी चीज़ें ले ली, हमारे सारे स्नैक्स पूरे हो गए। ये स्नैक्स जाएंगे हमारे, चल जाएंगे कोई 10 दिन निकाल देंगे हमारे, फिर उसके बाद दोबारा आके ले लेंगे। अभी मैं आपको ना इनका टोटल बताती हूँ, टोटल कितना हुआ इन सब चीज़ों का। तो जो हमारा बिल बना है वो बना है $31, मतलब इन सब चीज़ों का हमारा बिल बना है $31, और इनमें काफ़ी अच्छा गुजारा होता है, काफ़ी दिन निकल जाते हैं। और ना हमने पैसे नहीं दिए, मतलब ये सारा कुछ हमें मिला फ्री, फ्री कैसे मिला, हमने अपने पॉइंट्स रिडीम कर लिए। यहाँ पे ना हर चीज़ के ऊपर, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, हर चीज़ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स जो हैं वो फिर आप बाद में रिडीम कर सकते हैं और उससे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। 1000 पॉइंट्स का $1 होते हैं, तो मूवीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पड़े हुए थे, लाइक $65,000 पड़े हुए थे, मतलब इनके पास पॉइंट्स में $65 जो थे वो पड़े हुए थे। तो जिनमें से $31 हमारा बिल बना, $30 जो है वो हमने पॉइंट्स के रिडीम कर लिए, और जस्ट $1 जो है वो खुद से दिया। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ, चलें। अब हम यहाँ पे रुके हैं एक पिज्ज़ा शॉप पे, यहाँ पे नाम है उसका पैनोरामा पिज्ज़ा। उसका पिज्ज़ा इतना 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 टेस्टी है, मतलब ऐसा पिज्ज़ा ना मैंने कहीं नहीं खाया। पाकिस्तान में भी है बट पाकिस्तान जैसा ही पिज्ज़ा आप समझ लेंगे। यहाँ पे हमने एक दो जगह और से भी ट्राई किया बट वो पिज़्ज़ा हमें इतना अच्छा नहीं लगा, बल्कि फजूल सा ही था। तो हलाल रेंज में रहते हुए ना हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये है, ये पैनोरामा पिज्ज़ा, ये हलाल है और ये बहुत टेस्टी है, तो मैं तो ज़रूर सबको रेकमेंड करूँगी कि बल्कि कट्टी भी होकर यहाँ पे जाके पिज़्ज़ा खा के देखें, इनका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है। तो ना क्योंकि हम उनके दोस्त की तरफ जा रहे हैं और वो भी नए नए हैं, तो हमने कहा उन पर बर्डन ना हो जाए, तो हम खुद पिज़्ज़ा लेके चले जाते हैं। तो अब मुगीज गए हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए और मैं बैठी उनका वेट कर रही हूँ। यहाँ पे ना बिल्कुल सामने, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बिल्कुल साथ ही जो है ना वो है सेवन फूड्स, वहाँ से भी हम चीज़ें वगैरह ले सकते थे, बट यहाँ पे ना एक चीज़ की प्राइस सारी जगहों पे डिफरेंट है। मतलब अगर हमने प्रिंगल्स लिए हैं ना तो वो उसकी प्राइस वॉलमार्ट में डिफरेंट होगी, सुपर स्टोर में डिफरेंट होगी, सेवन फूड्स पर डिफरेंट होंगी, हर जगह जो है उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट है। तो जो हमें सबसे सस्ता जो है वो सुपर स्टोर लगता है, तो फिर हम वहीं से जो है चीज़ें वगैरह लेके, तो अब हम यहाँ पे हैं बट हम यहाँ से भी ले सकते थे, बट यहाँ पे फ़र्क होता है कुछ ना चीज़ों का, महंगा है यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं, तो इसलिए हमने वहाँ से ली। अब चले वेट करते हैं और फिर हम चलते हैं। यहाँ पे ना एक और चीज़ है जो बताऊँगी, वो है प्राइस मैचिंग की। मतलब अगर आप एक जगह पे महंगी चीज़ आ रही है और दूसरी जगह पे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वॉलमार्ट पे महंगी है या वॉलमार्ट पे सस्ती है, सुपर स्टोर में महंगी है या सेवन फूड्स में महंगी है, तो ये ऐसे करते हैं कि जहाँ पे ना महंगी चीज़ होती है ना, हम वहाँ से चीज़ लेके, अब अगर मेरे घर के पास सुपर स्टोर है और मुझे प्रिंगल्स जो है वो कहीं और के वॉलमार्ट के ज़्यादा सस्ते लग रहे हैं, तो मैं ना सुपर स्टोर जाके कहूँगी प्रिंगल्स वहीं से लूँगी सुपर स्टोर से, और उनको जाके कहूँगी कि ये जो है ना, उनको मैं दिखाऊँगी कि वॉलमार्ट पे प्राइस जो है वो इतने की है, कम है और आप ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस तरीके से ना प्राइस मैच कर देते हैं और आपको वॉलमार्ट वाली प्राइस पे ही दे देंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब ये नहीं है कि सब ने अपना अपना डिफरेंट तो रखा हुआ है, लेकिन प्राइस मैच कर देते हैं। अगर आप उनको कहें कि वहाँ पे दिखाएं कि वहाँ पे इस चीज़ की प्राइस ये है, तो वो प्राइस मैच करके तो आपको फिर उस प्राइस में आपको वो चीज़ दे देते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ की। तो हम पहुँच चुके हैं और ये रहे पिज्जे और ये रहे हम, अब हम उनके घर जाने लगे हैं। तो चलें घर से, जब निकल जाएंगे फिर मुलाकात होती है। तो हम उनके घर से जो है वो आ गए अब, और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था, वहाँ पे तो बनानी नहीं थी, वहाँ से निकले हैं तो अंधेरा था, रात थी। तो अब हम आ गए अपने घर, तो अब देखें नेक्स्ट वीडियो कब बनाती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।